Hello students, you are welcome in RCI Education Hub. Today we are going to talk about the lungs. लास्ट वाले लेक्चर के अंदर जो है अपन ने लैरिंग्स के बारे में बात की थी कि लैरिंग्स होता क्या है, लैरिंग्स के अंदर कौन कौन से जो है कार्टिलेज पाई जाती है और उनमें से भी कौन सी कार्टिलेज से एपिग्लोटिस फॉर्म हो रहा है। इसके अलावा ट्रैकिया के बारे में भी अपन ने बात की थी कि ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया की लेंथ क्या होती है, ट्रैकिया के अंदर जो है कौन से जो स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं जो कोलैप्स नहीं होने देती हैं, ये सारी बात की थी। और अब जो है अपन बात कर रहे हैं लंग्स के बारे में। लंग्स जो है ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, तीन भुजाकार की जो है ये स्ट्रक्चर्स होती हैं और इनके अंदर जो है ट्रैकिया दो ब्रांचेस के अंदर या दो ब्रोंकियाई के अंदर डिवाइड होकर इनके अंदर एंट्री करती है। लंग्स के अंदर जहाँ से ये ब्रोंकियाई एंट्री करती हैं दैट इज नोन एज हाइलम। लंग्स के अंदर ब्रोंकियाई जहाँ से एंट्री करती है दैट प्लेस इज नोन एज हाइलम। और ये जो लंग्स जो है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती हैं, दीज आर सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती हैं। मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली जो है प्लूरा बोलते हैं अपन, दोनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली प्लूरा बोलते हैं। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज पेराइटल प्लूरा, आउटर मेम्ब्रेन इज नोन एज पेराइटल प्लूरा और जो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज विसरल प्लूरा। इस तरीके से दोनों प्लूरा, दोनों पेराइटल और विसरल मिलकर जो है इसकी मेम्ब्रेन को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। इनके बीच में जो स्पेस पाया जाता है दैट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, स्पेस के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड पाया जाता है दैट फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। ये जो है एक लुब्रिकेंट होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है और जो भी मैकेनिकल मैकेनिकल इंजरी होती हैं, मैकेनिकल शॉक्स लगते हैं उनसे कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने का काम करता है ये प्लूरल फ्लूइड। इसके अलावा ये दोनों मेम्ब्रेन्स को होल्ड करने का काम भी करता है। व्हाट इज होल्डिंग द मेम्ब्रेन्स? प्लूरल फ्लूइड। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर इज पेराइटल, इनर इज विसरल, द गैप इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड द फ्लूइड इज प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड इज अ काइंड ऑफ लुब्रिकेंट एंड इट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द इंजरी एंड इट इज होल्डिंग बोथ द मेम्ब्रेन्स, दोनों मेम्ब्रेन को ये होल्ड करने का काम कर रहा है ये। जिसके अंदर अपन देखते हैं जो राइट वाला जो अब लंग की बात करते हैं, राइट वाला जो लंग है ये थोड़ा बड़ा होता है जबकि लेफ्ट लंग जो है छोटा होता है। राइट वाला जो लंग है इट इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थ्री लोब्स, ये तीन लोब से मिलकर बना होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय थ्री लोब, जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है दैट इज नोन एज सुपीरियर लोब, सबसे जो ऊपर वाली लोब होती है। मैं एक बार बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो सबसे ऊपर वाली जो लोब होती है That lobe is known as superior lobe. जो सबसे नीचे वाली जो lobe होती है that lobe is inferior lobe. और जो बीच वाली जो lobe होती है that is known as middle lobe. ये तीन lobe पाई जाती हैं। कौन से lung के अंदर? Right lung के अंदर। जबकि अपन left lung के अंदर देखते हैं left lung is smaller compared than right lung. इसके अंदर दो ही lobe पाई जाती हैं। ऊपर वाली जो lobe है this is superior और जो नीचे वाली जो है दैट इज इंफीरियर। इसके अंदर केवल दो ही लोब पाई जाती हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज स्मॉलर एज कंपेरेबल टू द राइट लंग, ये छोटा होता है उसके कंपेयर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो राइट लंग है इसके जो जो वॉल्यूम होता है इसके अंदर जो वेट होता है दैट इज 620 ग्राम। राइट लंग के अंदर 620 ग्राम वेट होता है जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 560 ग्राम वेट होता है। राइट लंग के अंदर किसी प्रकार की कार्डियक नोच नहीं पाई जाती है जबकि लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नोच पाई जाती है। कार्डियक नोच के पास में ही हार्ट सिचुएटेड होता है। तो ये जो कार्डियक नोच है ये किसके अंदर पाई जाती है? लेफ्ट लंग के अंदर। अगर अपन कंपैरिजन करके देखें तो राइट तो जो है बिगर होता है, लेफ्ट स्मॉलर होता है। राइट जो है 3 लोब्ड होता है, लेफ्ट 2 लोब्ड होता है। राइट जो है 620 ग्राम का होता है जबकि लेफ्ट 560 ग्राम का होता है। राइट के अंदर किसी प्रकार की कार्डियक नोच नहीं पाई जाती है जबकि लेफ्ट के अंदर कार्डियक नोच पाई जाती है। ये दोनों के अंदर अपन कंपैरिजन करके देखें तो ये अपन को देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं ब्रोंकियाई की। जो लेफ्ट जो राइट लंग है उसके अंदर प्राइमरी ब्रोंकियाई जो है तीन सेकेंडरी ब्रोंकियाई के अंदर डिवाइड होती है। प्राइमरी इज डिवाइडिंग इंटू 3 सेकेंडरी ब्रोंकियाई and these 3 secondary bronchi are dividing into 10 tertiary bronchi. primary तो 3 के अंदर divide हो रही है और 3 जो है फिर 10 के अंदर divide हो रही है।
जबकि अगर अपन लेफ्ट की बात देखें तो लेफ्ट के अंदर जो प्राइमरी ब्रोंकियल होती है वो दो सेकेंडरी ब्रोंकियल के अंदर डिवाइड होती है। लेफ्ट लंग के अंदर प्राइमरी ब्रोंकियल दो सेकेंडरी ब्रोंकियल के अंदर डिवाइड होती है और दो जो है फिर आगे चलकर एट टर्सरी ब्रोंकियल के अंदर डिवाइड होती है। तो राइट लंग के अंदर तो प्राइमरी ब्रोंकियल कितनी हो गई, वन, और लेफ्ट के अंदर भी वन हो गई। और अब बात करते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियल की, सेकेंडरी ब्रोंकियल जो है राइट के अंदर तो हो गई तीन और लेफ्ट के अंदर हो गई दो। अब बात करते हैं टर्सरी की, टर्सरी जो है राइट के अंदर तो हो गई 10 और जो लेफ्ट है इसके अंदर हो गई 8। इस तरीके से जो है ब्रोंकियल आपस में स्कैटर्ड होती है, एक नेटवर्क बनाती है। इसके बाद में आगे चलकर जो है अपन ब्रोंकियल की जो है स्टडी करने वाले हैं कि ब्रोंकियल जो है ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो रहे हैं, ब्रोंकियोल्स जो है आगे जाके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर से मिल रही है जिसको अपन ने एल्वियोलाई बोला है। इन एक्चुअल जो है गैसेज का एक्सचेंज एल्वियोलाई के अंदर होता है। दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।